यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी सोनीपत के खरखोदा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया और अलग पार्टी बनाने की बात फिर से दोहराई। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में जितने भी एक जात विशेष के सीएम रहे, उन्होंने भाईचारे और समान विकास के नाम पर राजनीति की है और 52% लोगों का हिस्सा सिर्फ 10% लोगों को दिया गया। तो वहीं अपने कार्यक्रम में होते विरोध को लेकर सीएम ने कहा कि इस दौरान आपको बता दें कि राजकुमार सैनी की ओर से कहा गया कि मेरा विरोध करवाने के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला का हाथ है और कहीं मैं उनकी पोल न खोल दूं, ये उन्हें डर है, इसीलिए इसका विरोध करवा रहे हैं। 52% लोगों को सिर्फ 10% और अपने 10% लोगों को 52 और 50 55%, ये सबका सम्मान है अपने। जो लोग भाषण 36 बरादरी पे दें, भाईचारा और चारा बना के लोगों को निकल जाएं, वो करेंगे सम्मान। मैंने कहा 100% आरक्षण करूंगा, सबको, सभी के हक सुनिश्चित करूंगा, कोई भी नेता दूसरे के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा।